क्या करें, मजबूरी थी। मेरा 3000 का मैंने कैसा भी करके कंप्लीट किया था, और जिससे कि घट करके मेरा 2600 वॉच टाइम आ गया था, 400 वैसे ही घट गया। अब नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके लिए बहुत ही खास वीडियो लाए हैं। मुझे एक कमेंट आया था माता बहनों का कि मेरा एक साल, मतलब मेरा चैनल एक साल का हो गया है, तो क्या अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, और मेरा वॉच टाइम घटता जा रहा है। और बहुत सारी माताएं बहनें कह रही थी मेरे व्यूज भी घट रहे हैं, मेरे वॉच टाइम भी घट रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो लाए हैं कि क्या आपका चैनल अब मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, एक साल से ऊपर हो गया है और आपका वॉच टाइम घट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यही सब आज आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसका एक साल का चैनल हो गया उसका भी मोनेटाइज होगा, जिसका तो 4-5 महीने में मोनेटाइज हो रहा है तो उसकी बात अच्छी है, उसका अच्छा है कि उसका तो जल्द ही मोनेटाइज हो जा रहा है। लेकिन जिसका अगर साल भर या 1.5 साल हो रहा है, अगर मोनेटाइज मतलब अभी वॉच टाइम नहीं पूरा है, तो अब वो लोग क्या करें। तो देखिए, चाहे जो लोग भी, अब जिसका पूरा नहीं है तो वो अपना पूरा करेगा ही करेगा, चाहे एक साल में करेगा, चाहे 2 साल में करेगा, चाहे 3 साल में करेगा, लेकिन वो अपना वॉच टाइम तो पूरा करेगा ही, क्योंकि उसको अपने यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ पैसे तो अर्न करने हैं। और जब वो मेहनत कर रहा है, इतने साल से लगा हुआ है, तो वो एक ना एक दिन तो ज़रूर ही सफल होगा। फिलहाल तो ये टॉपिक पे चलते हैं कि वो जो मेरा वॉच टाइम घट रहा है, अब कैसे उसको कैसे करें, और अब जैसे कि मेरा 2 साल हो गया है, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। देखिए, आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, जब आपके चैनल पे आज नहीं कल नहीं कभी भी, मतलब आपका 4000 वॉच टाइम पूरा होगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रोसेस होता है कि उनका पूरा ही नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि उनका वॉच टाइम घटता जा रहा है। देखिए, जो मतलब साल भर के अंदर ही जो वीडियो बना रहे हैं, उनका भी YT स्टूडियो में व्यूज मतलब वॉच टाइम घट रहा है, तो उनका वॉच टाइम घट नहीं रहा है, वो तो 28 दिन का मतलब वॉच टाइम दिखाता है। साल भर का अगर देखेंगे उसी में आपके YT स्टूडियो में, तो वो आपका सारा वॉच टाइम आपका रखा हुआ है, कहीं गया नहीं है, उनका तो नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन जिसका एक साल हो गया है, अब एक साल बाद भी उनका मतलब वॉच टाइम घट रहा है, एक साल के बाद घट रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखिए, मेरा भी चैनल था, जो मैंने मेरा चैनल मोनेटाइज किया, मैंने मेरा चैनल सुमन के लोकगीत चैनल था मेरा, उसमें मेरा वो चैनल लगभग साल भर से ऊपर हो गए थे। साल भर के 2-3 महीने बीत गए थे, 4 महीने बीत गए थे। एक साल 4 महीने बाद मैंने उस चैनल को मोनेटाइज किया था। क्यों, देखिए मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ था। फिर जब जैसे कि मैंने जब मेरा शुरुआती जब मैंने चैनल बनाया था, तो उस पर मेरे 3000-4000 मतलब व्यूज मेरे लॉन्ग वीडियो पे आए थे, जिससे कि मुझे उस वीडियो से मतलब एक किसी वीडियो पे 50 घंटे और किसी वीडियो पे 100-150-200 घंटे मिले थे। मेरे पुराने वीडियो में मतलब एक साल पहले की जो मैंने वीडियो डाली थी, उस पर मिले थे मेरा वॉच टाइम उतना। तो फिर जैसे ही अगला सा, जैसे मैंने एक जैसे कि आज की डेट बता दें, जैसे कि आज मान लीजिए 23 तारीख है, आज 23 तारीख है, तो आज से लगभग अगले 23 तारीख मतलब जो ये 2024 चल रहा है, 2025 जब 23 तारीख आएगा, उसके बाद जब 2025 का 23 तारीख आएगा, जैसे ही 24 तारीख आएगा, तो जो ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, इसका जो वॉच टाइम मिलेगा ना, ये घट जाएगा उस दिन। अगले साल जब आएगा 23 तारीख, 2025 में 23 तारीख आएगा, और जैसे ही 24 तारीख होगा 2025 में, वैसे ही ये जो मेरा 2023 में 23 तारीख की जो वीडियो डाला गया है, इसका जो वॉच टाइम मिलेगा ये घट जाएगा। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ऐसा तो मेरा सब वॉच टाइम घट जा रहा है, तो दीदी जी ऐसे वॉच टाइम घट जाएंगे, साल भर का जो वॉच टाइम घटता है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 6-7 महीने का आपके YT स्टूडियो में नहीं दिख रहा है, तो वो आपका सेफ है, वो कहीं गया नहीं है। और जो साल भर का होता है, ऐसे हम बहुत परेशान हो गए थे, मेरा तो ऐसे 300-400 घंटे घट गए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कैसे भी करके हमारा जो 2000-4000 व्यूज़ आए हैं, उस पर हमको वॉच टाइम मिला है, और वो मेरा वो भी घट जा रहा है, और ये जो मतलब रेगुलर जो वीडियो डाल रहे हैं, इस पर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और जो 2-4 वीडियो आए भी हैं वो एक साल पुराने के हैं, और उससे मेरा वॉच टाइम भी घट जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने क्या किया, फिर हम मतलब जान गए थे कि मेरा एक साल हो गया इसलिए मेरा वॉच टाइम घट रहा है। जैसे कि जुड़ने के बजाय मेरा वॉच टाइम घट जाता था, तो बहुत ज़्यादा माइंडली प्रेशर लिए थे कि अब मैं मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतने साल से मतलब 1.5 साल हो गए हैं मेरा, मैं पूरा कर रही हूँ और मेरा घटता भी जा रहा है। तो देखिए, कोशिश करा करिए कि
को अपना चैनल साल भर के अंदर कैसे भी करके मोनेटाइज कर लिया करिए, और मतलब अपनी वीडियो को इतना अच्छा बनाइए, इतना क्लीन, इतना मतलब अच्छा बनाइए, लोगों की वीडियो देखिए कि कैसे उनके चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी करके अपना चैनल मतलब मोनेटाइज कर लीजिए, उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तब आप चाहे जब भी आपका मन हो गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करें, चाहे जब आप मतलब कुछ भी करें, लेकिन अपना मोनेटाइज जैसे ही आपका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो आप अपना चैनल मोनेटाइज कर लीजिए। लेकिन आप जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक रुके नहीं, थके नहीं, अपना काम रेगुलर करते रहें। अब बता दें आपको थोड़ा सा, मैं अपना बताऊँ, मेरा जब घट रहा था तो मेरा 3000 मतलब वॉच टाइम कंप्लीट होने वाले थे, तो तब उसके बाद मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा कम आने लगे थे, तो मुझे वॉच टाइम मतलब 2-3 घंटे ऐसे मिल रहे थे। और जैसे मेरा 1 साल कंप्लीट भी हो गया था, और मुझे 1 साल जैसे हम जाते थे चेक करते थे कि मैं अपनी ओल्डेस्ट वीडियो में जाती देखती थी, मेरे उस वीडियो पे मतलब 1500-2000 व्यूज आए रहते थे, तो देखते थे उस पर कितना वॉच टाइम मिला है, जब देखते थे उस पर 16 घंटे या 15 घंटे या फिर 50 घंटे मिले रहते थे, और ये जैसे ही अगला दिन आता था वो पिछला वॉच टाइम घट जाता था, बहुत परेशान थे। तब जाके हमने क्या किया, अब लाइव आना शुरू किया, और पहले लाइव आए तो ज़्यादा लोग नहीं जुटे, 2-3 दिन आए ज़्यादा लोग नहीं जुटे, एक दिन आए तो उसमें 1500 लोगों ने जुट मतलब 1500 लोग जुट गए। तो फिर दूसरे दिन देखा कि मेरे YT स्टूडियो में जहाँ वॉच टाइम की लाइन होती है वहाँ 10 घंटे बढ़ाया गया था, तो मैं सोची कि शायद लाइव से मेरा पूरा हो जाए, तो हम रेगुलर वीडियो मतलब रेगुलर लाइव में आना शुरू कर दिए। और हम लाइव आते कैसे थे, 15 मिनट ही रहते थे, 15 या 20 मिनट रहते थे बस, उसके बाद कट कर देते थे लाइव, तो उससे मुझे 10 घंटे मिल जाते थे, फिर 15 मिनट आते थे, फिर ऐसे रहते थे, फिर उससे मुझे 10 या 7 घंटे मिलते, फिर कट कर जाते। ऐसे दिन भर में हम लगभग 6-7 बार आते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब मेरी आँख ऐसे कह रही थी कि अब मत लाइव आओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। मेरा 3000 का मैंने कैसा भी करके कंप्लीट किया था, जिससे कि घट करके मेरा 2600 वॉच टाइम आ गया था, 400 वैसे घट गया। अब मुझे लगभग कितना 4000 का चाहिए था, तो मुझे अभी 1400 वॉच टाइम इकट्ठे करने थे, और मेरा जैसे जैसे दिन आगे जाता था मेरा पिछला वॉच टाइम घटता जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो फिर जाके हमने लाइव आना शुरू किया, और लाइव से करते करते सिर्फ 15 दिन लगे थे मुझे मेरे 1400 वॉच टाइम कंप्लीट होने में, और दिन भर में 7-8 बार लाइव आ जाते थे। ऐसे मेरी आँख कहते थे कि अब लाइव मत आओ, नहीं तो आँख ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन जैसे दूर रहते थे बोलते थे। और लाइव में क्या होता है, कभी कभी कोई लोग बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट भी करते हैं, तो आप उनको हाइड कर दीजिए। देखिए जब जिसका ज़्यादा गंदा कमेंट आने लगे ना, उनके एक कमेंट से, उनके एक आदमी को मतलब ब्लॉक कर देने से आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो नहीं आया इससे अच्छा है, तो उनको आप हाइड कर दीजिए। अगर आप कहेंगे कि हाइड कैसे किया जाता है, इस पर वीडियो बनाइए, तो हम आपको वो भी वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लाइव अगर आप आ रही हैं तो अपने जो लोग भी गलत कमेंट करते हैं उनको हाइड कर दीजिए आप, और उसके बाद उनका कमेंट आएगा ही नहीं आपके पास, तो आपका वो साल भर का जो वॉच टाइम है वो घटेगा ही घटेगा। आपको कुछ भी करके अपना चैनल मोनेटाइज साल भर के अंदर कर लेनी है। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपका वॉच टाइम जो 1 साल के बाद घटा है वो वापस आ जाएगा, किसी का नहीं आया है, कोई ये ट्रिक भी नहीं है ये, क्योंकि ये यूट्यूब का रूल है, ये वॉच टाइम घटेगा ही घटेगा। और जो लोग जिनका इतना टाइम लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं अपना चैनल मोनेटाइज कराने में, मतलब अपनी वीडियो को अच्छा बनाइए, साल भर तक वीडियो बना लिए, कोई अलग तरीका अपना लीजिए, क्योंकि साल भर आपने जिस टाइप से वीडियो बनाया है नहीं ग्रो किया, तो कुछ अलग बनाइए, कुछ अलग करिए, ताकि कुछ कैटेगरी को अपने ही चेंज कर दीजिए कि हम देख लिए ये कर रहे हैं कॉमेडी बना रहे हैं नहीं भाग रहा है, तो कुछ डांसिंग का कर रहे हैं डांस का भी नहीं भाग रहा है, तो कुछ गीत का ले लेते हैं, क्योंकि मैंने भी डांस का लिया, कॉमेडी भी लिया, कुछ भी नहीं ग्रो किया, तो मैंने गीत का ही ले लिया, क्योंकि गीत मुझे आते थे और मुझे ये मेरा रेगुलर काम करने में भी सही था। कॉमेडी वॉमेडी तो दूसरे का लेते थे, वो अपनी वीडियो डिलीट कर देता था, मेरे चैनल पर दिक्कत हो जाती थी, इसलिए दूसरों का वीडियो लीजिए, लेकिन ये कोशिश करिए कि कैसे भी करके अपना चैनल मोनेटाइज करें। तो उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और धन्यवाद।